मैं डॉक्टर हकीम असलम जावेद वर्ल्ड ऑफ यूनानी चैनल से, आप हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ यूनानी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और इसकी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारा चैनल जो है वो यूनानी के प्रमोशन के लिए है, आप हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आज हम आपको बताना चाहते हैं लव हार्मोन जिसको कहते हैं डोपामाइन, उसको बढ़ाने के क्या तरीके हो सकते हैं, आप जो हैं अपनी सेक्स पावर को किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आप जानते हैं कि हमारे दिमाग में जो है डोपामाइन पैदा होता है नेचुरली, जिसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। यह हार्मोन हमें खुशी और प्रेम आनंद का एहसास कराता है। डोपामाइन यानी कि लव हार्मोन का तभी पैदा होता है जब आप सेक्स कर रहे होते हैं या फिर कोई मनपसंद काम कर रहे होते हैं। दूसरी ओर पर्याप्त डोपामाइन के बिना आप सुस्त हो जाते हैं, आपका लाइफ जो है उदास हो जाती है और ज़िंदगी के जो प्रति आपकी रुचि होती है वो महसूस नहीं होती है। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि डोपामाइन को बढ़ाने के कई सारे तरीके होते हैं, जैसे रोज़ाना एक्सरसाइज करना, पूरी नींद लेना, फ्रेश फ्रूट्स खाना, ड्राई फ्रूट्स का सेवन करना। इस सेवन करने से जो है लव हार्मोन बढ़ता है, डोपामाइन बढ़ता है और इससे जो है बहुत ज़्यादा फायदा होता है। क्या आप जानते हैं कि भोजन में प्रयोग किए जाने वाले मसाले न केवल जायका बढ़ाने के काम आते हैं बल्कि इनको खाकर आपको प्यार का एहसास होता है, आपका प्यार जो है परवान चढ़ता है और ये ऊंचाई तक पहुंच जाता है। जी हाँ, हम ऐसे ही मसाले जो सेक्स पावर बढ़ाने के काम आते हैं इनको खाकर आपकी सेक्स पावर जो है अच्छी खासी बढ़ जाती है। तो आइए जानते हैं कि लव हार्मोन या डोपामाइन को कैसे बढ़ाया जाए। आपको रोज़ाना एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम करना चाहिए। व्यायाम से रक्त जो है हमारा जो ब्लड होता है वो जो है उसका फ्लो बढ़ता है और जो ब्लड में कैल्शियम होता है वो भी बढ़ता है, जो कि दिमाग में डोपामाइन को तेज़ी से बनाता है। कोशिश करनी चाहिए कि रोज़ाना 30 से 60 मिनट तक घूमा जाए, टहला जाए, एक्सरसाइज की जाए। आप जो हैं पानी में भी तैर सकते हैं, जॉगिंग भी कर सकते हैं, मतलब अपने आप को आपको फिट रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दूसरी बात, आपको केसर या ज़ाफ़रान का इस्तेमाल करना चाहिए। पुराने ज़माने से ही लोग केसर को प्यार की भावना जगाने के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तभी तो आप जानते होंगे कि शादी की पहली रात को ज़ाफ़रान वाला दूध कपल्स को पिलाया जाता है। नंबर 3, हल्दी। शादी से पहले जोड़े को हल्दी का पेस्ट लगाया जाता है। आप जानते हैं बाकायदा कि हिंदुस्तान में और एशियन सब कॉन्टिनेंट में जो है हल्दी की एक रस्म होती है बाकायदा, जिसको हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सभी लोग यूज़ करते हैं, क्योंकि इससे सेक्सुअल डिज़ायर पैदा होती है। नंबर 4, एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करना चाहिए। डोपामाइन बहुत आसानी के साथ नष्ट हो जाता है और एंटीऑक्सीडेंट जो होते हैं वो हमारी दिमाग की जो सेल्स होती हैं उनको फ्री रेडिकल से बचाता है, क्योंकि यही हमारी दिमाग की सेल्स डोपामाइन का उत्पादन करती हैं, डोपामाइन को बनाती हैं। कई फल और सब्जियाँ एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होती हैं, जैसे विटामिन सी वाले फल, विटामिन ई वाली सब्जियाँ और फल तथा हरी, लाल और नारंगी सब्जियों का और फल का इस्तेमाल ज़्यादा करना चाहिए। दिमाग के कार्य को रोकने वाले खाद्य पदार्थ ना खाएं। इस तरह के खाद्य पदार्थों में, खाने वाली चीज़ों में पैकेट और डिब्बा बंद फूड, जंक फूड जिसको कहते हैं, मैदा से बनी हुई चीज़ें, कोलेस्ट्रॉल, कैफीन, चर्बी और शक्कर वगैरह आते हैं। इसके अलावा अच्छी नींद लें। सोना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
यूनानी में पहले भी कहा गया है, जो सिक्स एसेंशियल फैक्टर बताए गए हैं कि नौमो नक्जा, नौमो यक्जा, मतलब आपको सही वक्त पर सोना चाहिए, सही वक्त पर जागना चाहिए और कम से कम 6 से 7 घंटे की जो है वो आपको साउंड स्लीप जो है लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए हमें अपनी नींद पूरी करनी चाहिए। सोते समय दिमाग जो है बहुत कम डोपामाइन जो है बनाता है और लव हार्मोन को प्राकृतिक रूप से यानी नेचुरली ज़्यादा पैदा करने के लिए रोज़ अपनी 8 घंटे की नींद को पूरा करना चाहिए। इसके अलावा हमें ओमेगा 3 फैटी एसिड दिमाग से पैदा होने वाले लव हार्मोन को तेज़ी से बनाने में मदद करता है। यदि आपने नियमित रूप से ओमेगा 3 अपने आहार में शामिल नहीं किया तो आप डिप्रेशन के शिकार बन सकते हैं। ओमेगा 3 पाने के लिए आपको मछली, साबुत अनाज, अलसी और ब्राउन ब्रेड वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा जो है आपको ग्रीन टी अपनी डाइट में रोज़ाना 2 कप ग्रीन टी शामिल करनी चाहिए। बहुत सारी रिसर्च के मुताबिक ग्रीन टी आपके लव हार्मोन को कल लेवल कई गुना बढ़ा सकती है। केला, न केवल केला बल्कि बहुत ज़्यादा पका हुआ केला जिस पर काले और भूरे दाग पड़े हों, खाने से डोपामाइन का लेवल बढ़ता है। डार्क चॉकलेट्स, अपनी फ्रिज में हमेशा एक डार्क चॉकलेट ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि चॉकलेट को सेक्सुअल बूस्टर के रूप में जाना जाता है। चॉकलेट में कुछ ऐसी चीज़ें मौजूद होती हैं जो कि हमारे दिमाग से लव हार्मोन के रिसाव को बढ़ाती हैं। आमतौर पर डार्क चॉकलेट सेक्स की इच्छा को या सेक्सुअल पावर को बढ़ाती हैं।